नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइव। जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत चौतरा के गणेश कॉम्प्लेक्स में कांग्रेस कमेटी की एक बैठक संपन्न किया गया, जिसमें केंद्र सरकार में बैठी भाजपा की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध कांग्रेसी नेताओं ने किया विरोध। बुधवार को चौतरवा गणेश कॉम्प्लेक्स में कांग्रेस के बगहा प्रखंड अध्यक्ष दिनेश यादव की अध्यक्षता में कांग्रेसी नेताओं संग एक बैठक संपन्न किया गया, जिसके मुख्य अतिथि रहे कांग्रेस प्रदेश प्रतिनिधि जितेंद्र राव। जितेंद्र राव ने बताया कि केंद्र में बैठी भाजपा अभिव्यक्ति की आजादी को समाप्त करने में जुटी हुई है, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं उसे रोकने पर तुल गई है, जिसका उदाहरण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी हैं, जिनकी सांसद सदस्यता समाप्त की गई है। वही प्रखंड अध्यक्ष दिनेश यादव ने बताया कि आज की बैठक मुख्य रूप से केंद्र में बैठी भाजपा के गलत नीतियों के विरुद्ध है, जिसने तानाशाही वश कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द कर दिया है, जिसके विरोध में सभी कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज के इस बैठक के संबंध में माननीय राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के विरोध में हम लोग बैठक करके और यहाँ उपस्थित कांग्रेस कमेटी बगहा एक के सभी लोग हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के रिश्ते को लेकर उंगली उठाने के आरोप में माननीय राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की गई है और मोदी सरकार संवैधानिक व्यवस्था को तहस नहस कर देने पर आमदा है। जनता की आवाज़ और हिंदुस्तान के लोकप्रिय जन नेता माननीय राहुल गांधी के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रची गई है। इसी के साथ मैं अपना बात को विराम लेता हूं। आज पार्टी नेतृत्व के दिशा निर्देश में के आलोक में जय भारत सत्याग्रह के संदर्भ में प्रेस वार्ता का हम लोग के द्वारा आयोजन किया गया है, जिसमें भाजपा सरकार के द्वारा दमनकारी और तानाशाही नीति के विरुद्ध हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। वर्तमान भारत सरकार के द्वारा जितनी भी स्वतंत्र एजेंसियां हैं उन सबको स्वतंत्र रूप से काम करने से पूर्णतः रोक लिया गया है और ऐसी नीतियों के कारण कोई भी विपक्ष का नेता या कार्यकर्ता उनके द्वारा गलत कार्यों के विरुद्ध नहीं बोल सके, ऐसा दमनकारी नीति उनके द्वारा किया जा रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे नेता राहुल गांधी जी के द्वारा अडानी के विरुद्ध उठाए गए आवाज के कारण झूठा मुकदमा करके उनको मैक्सिमम सजा 2 साल दिलवा करके और साजिश के तहत उनकी सदस्यता रद्द कराई गई है, जो यह बात दर्शाता है कि पूर्णतः प्रजातांत्रिक व्यवस्था को भंग करने पर वर्तमान केंद्र भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो है बर्बाद करने पर तुली हुई है। इसके विरुद्ध हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा।